बच्चों नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा समृद्ध रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपको समझाया था कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं, ये आपकी यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट के अंदर दोनों ही बुक से तीन तीन लेसन आपके आएंगे। तो फर्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट है, उसका आज तीसरा लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे और उस लेसन का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूनिट टेस्ट होगा आपका, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें इनको नोट डाउन भी करना है, इनको अच्छी तरह से लिखना है और लिखकर मेरे पास वापस सेंड करने हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और जो ऐसे टाइप जो क्वेश्चंस है वो भी आपके पेपर में आएंगे। तो जो भी आपको सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस और डेट शीट आपको मिल गई होगी। आपका जो पहला पेपर है वो पॉलिटिकल साइंस का ही है, तो अच्छी तरह से आप लोगों ने अच्छी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, ताकि आप इस यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके और आपका बेटर से बेटर रिजल्ट आ सके। तो आज मैं आपका तीसरा लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जो जैसे हेडिंग से हमें पता चलता है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन इस लेसन के अंदर मुख्य रूप से हम किन बातों पर फोकस करेंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं, इलेक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन को ये हेड या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किस तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातों के बारे में आपको हम बताएंगे और इन्हीं के बारे में आपको अच्छी तरह से लर्न भी करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म फ्रेंचाइज। जैसे आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में आपको पहले भी बताया था। यूनिवर्सल डायरेक्ट फ्रेंचाइज वो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, एक्सप्लेन द टर्म फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइज वर्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है द राइट टू वोट। फ्रेंचाइज का मतलब होता है द राइट टू वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। राइट टू वोट को ही हम फ्रेंचाइज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इलेक्शन। अब जैसे ही हेडिंग से पता है कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आपका लेसन है, तो हम सबसे पहले इलेक्शन के बारे में ही आपको बताएंगे कि इलेक्शन होते क्या हैं। तो इलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लेजिस्लेचर। देखो, विधायिका के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव जिस प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं, वो प्रोसेस ही इलेक्शन कहलाती है। तो इलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधियों को चुनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जनरल। आप जो इलेक्शन होते हैं वो थ्री प्रकार के होते हैं, बाई इलेक्शन, जनरल इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। तो इन तीनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं या बाई इलेक्शन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन की, जो आम चुनाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले जनरल इलेक्शन के बारे में, व्हेन इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी। कोई भी जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी, यदि उसका कार्यकाल, एक जो फिक्स्ड कार्यकाल होता है, वो कार्यकाल यदि पूरा हो जाता है, तो उस कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी है जो अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, कार्यकाल पूरा करने के बाद जब इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। इसी तरह व्हाट इज मिड टर्म इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव कौन से होते हैं। इसके अंदर आप देखिए, व्हेन द जनरल इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर इट्स ड्यू, मतलब जब मिड टर्म इलेक्शन कौन से होते हैं, जब आम चुनाव, तो जनरल इलेक्शन से पहले यदि जो चुनाव हो जाते हैं, जो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही यदि
इलेक्शन करा लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का होता है, यदि उसको 5 ईयर्स से पहले ही लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष से पहले ही यदि कोई इलेक्शन करा लिए जाते हैं तो वो मिड टर्म इलेक्शन कहलाते हैं, मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। तो व्हेन द जनरल इलेक्शन इज हेल्ड बिफोर इट इज ड्यू, इट इज कॉल्ड द मिड टर्म इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है बाई इलेक्शन कौन से होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे व्हाट इज बाई इलेक्शन, व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल ए पार्टिकुलर सीट, जब कोई इलेक्शन किसी विशेष सीट को भरने के लिए कराए जाते हैं। ध्यान दीजिए इसमें, व्हेन द इलेक्शन इज हेल्ड टू फिल ए पार्टिकुलर सीट, जब वे इलेक्शन जो किसी विशेष सीट को भरने के लिए कराए जाते हैं, फिल करने के लिए कराए जाते हैं, वो किसी भी कारण से यदि वो सीट खाली हुई है, चाहे कोई रिप्रेजेंटेटिव एक्सपायर हो गया या किसी ने रिजाइन दे दिया है या किसी भी कारण से वो खाली हो गई, तो उस सीट को फिल कराने के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो बाई इलेक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हु डिसाइड द डेट्स फॉर द जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाई इलेक्शन, इनकी डेट कौन फिक्स करता है। देखो पूरा का पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी देख रख, उसको कंडक्ट करने का, हेल्ड कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, चुनाव आयोग का होता है। तो वह इसमें आप ध्यान के हु डिसाइड डेट्स फॉर जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन के लिए जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द इलेक्शन कमीशन, देखो जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं। देखो बार बार समय समय पर ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो केवल एक सदस्यीय चुनाव आयोग था हमारे यहाँ पर, लेकिन बाद में हमारा जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय हो गया। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर मेंबर्स होते हैं। तो आज जो इलेक्शन कमीशन वो किससे मिलकर बना है, 1 चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड 2 अदर मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको इसमें बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में है, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर मेंबर्स। जैसे हमने बताया कि इलेक्शन जो कमीशन है वो 3 सदस्यों से मिलकर बना, जिसके अंदर एक मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त होता है, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, और उनका जो पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष का होता है। तो ये जो मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन है इनको अपॉइंट कौन करता है, तो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। हु एंजॉय द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एंजॉय द राइट टू वोट इन इंडिया। अब देखिए भारत के अंदर वोट का अधिकार किन को है, तो भारत के अंदर वोट का अधिकार किन को, जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक हो गई है, जो 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका है, उस व्यक्ति को भारत के अंदर वोट का अधिकार दिया जाता है। तो हु एंजॉय द राइट टू वोट इन इंडिया, भारत के अंदर वोट का अधिकार किसको मिलता है, तो इन इंडिया राइट टू वोट इन एंजॉय बाय दो सिटीजन्स Who are not less than 18 years of age। भारत के अंदर उन लोगों को वोट का अधिकार मिलता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो या 18 वर्ष से आयु से कम नहीं हो, उन लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब वे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उन नागरिकों को वोट का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म कैंडिडेट। कैंडिडेट कौन होता है, उम्मीदवार किसको कहते हैं, तो कैंडिडेट कौन, बार बार आप इलेक्शनों में सुना होगा ये कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, ये निर्दलीय कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट होता क्या है, तो कैंडिडेट इज द वन हु कंटेस्ट इलेक्शन। कैंडिडेट वो व्यक्ति होता है जो चुनाव लड़ता है, कंटेस्ट करता है टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए वो है व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो कैंडिडेट कहलाता है, चाहे वो लोकसभा के लिए लड़ रहा हो, चाहे स्टेट असेंबलीज के लड़ रहा हो, चाहे राज्यसभा के लिए लड़ रहा हो, देखो कंटेस्ट करता हो तो वो व्यक्ति कैंडिडेट कहलाता है। आगे व्हाट इज द टेनर ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन बाय विच एलिगेशन कैन बी मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन बी रिमूव्ड। देखिए इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बाय विच एलिगेशन, मतलब कौन से एलिगेशन के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। तो द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द चार्जेज ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी। देखो जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं उनको
कौन से उन पर आरोप लगाए हो, या तो मिसबिहेवियर के, दुराचार के, या फिर उनके अंदर इनकैपेबिलिटी हो, उनके अंदर क्षमता नहीं हो, तो इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ईवीएम स्टैंड फॉर? तो ईवीएम आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो वोट डाले जाते थे वो बैलेट पत्र पर होता था, बैलेट पेपर होता था, लेकिन आज मॉडर्न एज के अंदर बैलेट पेपर की जगह आज हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ईवीएम होता है, ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, व्हाट डज एफपीटीपी स्टैंड फॉर? एफपीटीपी का मतलब क्या होता है? तो एफपीटीपी का मतलब होता है फर्स्ट पास टू द पास्ट, फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट, फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट। इसका मतलब जो सबसे आगे वो जीते। हमारे देश के अंदर जो चुनावों का जो परिणाम होता है, हमारे देश के अंदर क्या है कि ये नहीं है कि जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिले हो उसको जीत मिल जाती हो, नहीं, जिन व्यक्ति, जिस कैंडिडेट ने चुनावों के अंदर सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया है वो व्यक्ति विनर माना जाता है। तो उसी को, उसी इसी पद्धति पर हम चलते हैं, पीटीपी फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट, जो सबसे आगे वो वही जीते। इसका मतलब ये स्टैंड फॉर होता है, इसका मतलब ये होता है जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला है चुनाव में उसको जीता हुआ माना जाता है। तो इसका मतलब होगा एफपीटीपी फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा? अब देखिए, हमारे देश के अंदर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले हैं, उनको समानता का दर्जा देने के लिए उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन वो अपनी आवाज़ को रेज कर सके, उनकी आवाज़ को सुन सके लोग, इसलिए लोकसभा के अंदर एससी और एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स है, और जबकि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व लोकसभा के अंदर की गई है। अब आगे जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, अभी तक हमने बात की कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन को कौन हेल्ड करवाता है, इलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्शन चीफ, इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल कितना होता है उनके मेंबर्स का, और ईवीएम क्या है, एफ टी जो आपका था फर्स्ट पास्ट, फर्स्ट पोस्ट टू द पास्ट है, एफपीटीपी क्या है, उसके बारे में हमने आपको बताया। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो आप देखिए, विदाउट इलेक्शन इज डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। देखो, जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी वहाँ इलेक्शन ज़रूरी होंगे, ये जब ध्यान रखिए, जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ इलेक्शन जरूरी होते हैं। तो विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है। एंड द रूल ऑफ पीपल, आपको सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यदि इलेक्शन नहीं होंगे तो उसमें इलेक्शन के माध्यम से लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ही वो अपने ऊपर शासन करते हैं। तो रूल ऑफ पीपल संभव नहीं हो सकता कि रूल, और नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। अब देखिए, जो रूल ऑफ पीपल है, लोगों का जो शासन है, न तो वो संभव है और न ही लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग वो शासन चलेगा। तो इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इलेक्शन के द्वारा लोगों को ये अधिकार है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल ने चुने हैं, लोगों ने चुने हैं, यदि वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेंगे तो पीपल को ये अधिकार है, लोगों को ये अधिकार है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वो हटा सकते हैं, उनको नहीं चुनेंगे। तो इलेक्शंस के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव पर प्रेशर आता है कि वो पब्लिक सर्विस करें, लोगों की सेवा करें। तो ये इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और इन इलेक्शन के बगैर डेमोक्रेसी संभव नहीं है, और इलेक्शन के बगैर लोगों का जो शासन है वो भी संभव नहीं है। नेक्स्ट है, मेंशन टू फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब देखो, इलेक्शन कमीशन के बहुत से फंक्शन होते हैं। पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, डिक्लेरेशन, इलेक्शन डेट की डिक्लेरेशन से लेकर, चाहे वो इलेक्ट्रोल रोल है उसको अपडेट करने का कार्य है, नॉमिनेशन का कार्य है, या रीपोल का कार्य है, रिजल्ट अनाउंस का कार्य है, वो सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन करता है। फिर भी टू फंक्शन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है। तो द इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेज, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन का जो पहला काम है वो क्या है,
सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल, किसको? इलेक्शन प्रोसेस को, चुनावी प्रक्रिया का सुपरविजन करना, उसको निर्देश देना और पूरी की पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन फिक्सेस द टाइम टेबल ऑफ द इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है कि ये जो इलेक्शन है वो कब होंगे, उनका जो टाइम टेबल है उसको फिक्स करता है, निश्चित करता है कि वो कितने फेसेस में होंगे, कितने चरणों में होंगे, कब होंगे, ये सारे के सारा काम इलेक्शन कमीशन का होता है। और आगे भी वो बहुत से इसके कार्य, जैसे इलेक्ट्रोल रोल को अप टू डेट करना और इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट अनाउंस करना है, नॉमिनेशन फॉर्म को देखना, मतलब पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें हमारे लगभग 12-13 स्टेजेस होती है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण इलेक्शन कमीशन रखता है। तो ये इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जो लेसन है इनके, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। इन्हीं के यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से लर्न होंगे तो पूरे का पूरा जो लेसन है वो अच्छी तरह बेटर तरीके से आपको अच्छी तरह से लर्न हो सकता है। इनको अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में कीजिए और इनको लर्न कीजिए, अपनी यूटी की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। थैंक यू।